माफ कर दी, कहाँ नाराज हो गए रुआ, इतना गुस्सा में कहे बनी, कौन गलती हो गई हमसे? हाँ तो कि तुम्हारी आरती उतारू। लोग प्यार में फूल देते हैं, इंसान की पसंदीदा चीज देते हैं, पता है इन्होंने मुझे क्या दिया? चूहा। कोई किसी को चूहा देता है क्या गिफ्ट? बता सा, का हरकत से यार, कहीं गोभी कहीं चूहा, ये सब का? भैया गलती से बाहर मिस्टेक हो गई, यही गलती का सजा भोगत हुआ। भाई का कहीं पंडित जी के लगे हाँ। कहने की पंडित बाबा कुछ बतावा महाराज, कोनो टोना टोकटा कि हमके हमारा दूरा ही मिल जाए, तो कहा गणपति बाबा को पूजा करा, वो सबके कृपा करल है, तारा के तुहार दुल्हन से मिलवा दिए। अब गई नहीं गणपति बाबा के पास, मार लड्डू चढ़ावा चढ़ावा थक गई नहीं, अब बात बनल ना, तब तक अचानक देखा पड़े चूहा महाराज। तो हम कहनी अरे बाप रे बाप, तो चूहा महाराज अपना पीठी बैठा गणपति भगवान के जब घुमावलन, तो नहीं के हाथ पर जोड़ ली, तो दौड़ा के पकड़ लेनी उनके, रात भर समझौनी हाथ पैर जोड़नी, खाना खियोनी दूध पियोनी, हमके भिनसारे हमार काम कर दिया गुरु, अल्लाह के वह हम इनके दे देनी। का पता रहे कि चूहा महाराज को उल्टे के जी हैं सब। तुम्हारे चूहे ने मेरे दो कपड़े काट दिए, मेरे सैंडल्स खा गया, आई हेट योर चूहा। मधु जी बस हम इतना जानी ला और खाली इतना समझी ला कि हम तोहरा बिन जीना सकीला। तुम ना दिल से एकदम बच्चे हो। देखा देखा, मुझे ना किसी बच्चे से तो शादी नहीं करनी। हमार बात सुना, हम तो खाली बस इतना जानी ला कि दिल तो बच्चा होता है, फिर बाद में चल के चच्चा होता है। अरे मिले बाबू कितनी प्यारी बातें करता है, मिलो छोना। अरे भैया बातों में ना तुमसे कोई नहीं जीत सकता, अभी इसे छोड़िए, चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं। तो ठीक बा, एक बार हंस दी। तभी गंगा के दर्शक लोग के बता सा चाचा और मधु शर्मा का राम राम, स्वागत बरुआ सबके भोजपुरिया खाटी गीत संगीत के सबसे बड़ा दंगल, जयकर नाम हो मेरा मुकाबला। और अब एक बार जोरदार ताली से स्वागत करी बिरहा के परम ज्ञानी परम ध्यानी ऊदू हस्ती के, ये हिंदुस्तान के देव वाला वारन, बिरहा के सरताज के खिताब अपन बिरहा के सुल्तान विजय लाल यादव भैया, और बिरहा के बादशाह ओम प्रकाश भैया का, और साथ में जोरदार ताली चुनौती गृह और प्रतीक्षा गृह में बैठल बिरहा के आठ वीरांगना और वीर के। तीसरा दौर के शुरुआती दो हफ्ता के मुकाबला में आठ लोगों के बीच बदरी फाड़ दंगल देखे के मिला ला। लेकिन सिर्फ चार महारथी ही चौथे दौर में अपनी जगह बना सके, वो चारों प्रतीक्षा गृह में बैठकर शान से अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। चुनौती गृह में आज वालन विशाल दुबे मुन्ना, प्रियंका माधुरी, उजाला यादव और महेंद्र बच्चन, ये चार के बीच में से कोई दो चौथा दौर में जगह बनी है और दो लोग मुकाबला से बाहर हो जाए, जकरा बाद छह महारथी के बीच शुरू होगी चौथा दौर के मुकाबला। आज की शुरुआत करे से पहले हम अपने दोनों बड़का भैया बिरहा के सुल्तान विजयलाल यादव जी और बिरहा के बादशाह से जानल चाह कि 16 एपिसोड के बाद आज बिरहा मुकाबला कितना कामयाब नजर आ रहा बा। बिरहा के बादशाह ओम प्रकाश भैया आपके राय जानल चाह। बता सा भैया, चारू खिलाड़ी अपना फन में ठीक बनन, राग रसोईया पागरी कभी कभी बन जाए, कहीं कहीं बहुत निक गावे वाला भी फेल मार जाला, आ कहीं कहीं खराबे गावे वाला निक मार जाला, तो इतना गावला के बाद पता चली। लेकिन हमारा उम्मीद बाकी चारों जाना मेहनत कैले बनन और मेहनत करके गई हन, अच्छा नंबर पई हन। बिरहा के सुल्तान हमार विजयलाल यादव भैया, बहुत उम्मीद बा भैया, पूरा भोजपुरिया समाज की उम्मीद बा, हमनी के भी उम्मीद बा, जितना भाई लोग बिग गंगा देख रहल बा सबके मन में भाव बा कि देखी तो अब एकरा के का हुई, आई लोग बहुत अच्छा है आ अच्छा होत रहे। बिरहा के सुल्तान विजयलाल यादव भैया, आज के एपिसोड में विशाल दुबे और प्रियंका माधुरी आमने सामने बाड़े, चुनौती के मैदान में ललकारे खातिर रहुआ सबसे पहले ककरा के बुला रहल बानी? हमार मन बा आज आके स्टेज पर दिखावस कमाल, इनके गुरु के लोग कहेला विजय लाल, इनकर नाम है विशाल। आय हाय हे विशाल, आवा हो धरती का लाल। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए वाराणसी के विशाल दुबे मुन्ना जी का।
आज के मुकाबला शुरू करे से पहले सुरक्षा कवच पाए वाला विशाल दुबे मुन्ना के हम बता देवल चाहता नहीं कि सुरक्षा का प्रयोग अभी चल रहा तीसरा दौर तक ही कर सकल, मतलब 18वां एपिसोड माने कल के एपिसोड तक। तो विशाल आज ऐसा बिरहा सुनाइए कि जीवन का सारा बिरहा दूर हो जाए। वाह बहुत सही। भोज राजा के दरबार में सज्जनों नाचती नर्तकी एक हूर रही, नाम था लक्ष्मी हीरा नरम थी उमर, गदराई जवानी में नूर रही। राज दरबार ऐसे सजल है राजा भोज के और तमाम लोग बैठल हो महफिल में और नाच गाना के प्रोग्राम चलत हो, वही में एक नर्तकी नाचे वाली रहे, नाचे बदे आप लोग जाना लग कहीं प्रोग्राम होला जितना खरब की होली कुल पहले में नचाए देवल जाली अजौन तनी बढ़िया रहली ओके बचाए के रखा जला कि बाद में ही नाचत है गावत है कहत है का अरे रख ले रहली अरे नयनवा तो हके बलम, अरे रख ले रहली अरे नयनवा में तो हके बलम, अरे तू निकल के परैला तो हम का करी, राज दरबार में एक दिन हुआ जलसा भारी, राज की नर्तकी नाचे सभी बारी बारी, अंत में पारी लक्ष्य हीरा की भी आई है, अंत में पारी लक्ष्य हीरा की भी आई है, भरी जवानी में मधमस्तली अंगड़ाई है, लास्ट में लक्ष्य हीरा जन बड़ी सुंदर है कैसे बयां करी, इतनी सुंदर रहे ये बताई न पाओ थी। जब ओकर नंबर आयल त नाचत है आधा घूंघटवा कर ले है, ऐसा ही मंच बड़ा बढ़िया लगल है, नाचत है गावत है का कहत है। अरे इन्हीं लोगों ने ले लीना, लोगों ने ले लीना जवानी मेरी, इन लोगों ने ले लीना जवानी मेरी, बताओ थे कहो थे का। अरे कजरा ककी पूछो, अरे कजरा के कीमत नजरिया से पूछो, आज जिसने कत्ल कर दी ना जवानी मेरी जिया, वही राज दरबार में एक महान कवि कालिदास रहना, वो नर्तकी के नाचत देखला तो उनकर मन कुछ डोल गल, उनकर मन अपने आप में रहबे नहीं कल, महान कवि कालिदास रहना जेकर सो रहल वो नर्तकी के नाचत देखला, नाच गाना बंद भयल
नर्तकी गईल राज दरबार में और पीछे पीछे महान कवि कालिदास भी गईलन। अजाय के ओकरे दरवाजा पर खड़ा हो गईल। बाहर आई पूछे थे का कवि जी, तो ओके तो देखली वहां महफिल में बैठल ला, यहाँ का करत हुआ तो नहीं तो से कुछ बात रल, कुछ बात करे रल तो का कौन बात है बतावा। अरे तू मने तो ऐसी अरे चोरी की, अरे दिल मेरा दीवाना, अरे तुमने तो ऐसी चोरी की, अरे दिल मेरा दीवाना, लूट गया मैं प्यास बुझाने, अच्छा अच्छा पानी पियबा चलो तो नहीं पानी ना पिय बताओ होगा। अरे मैं प्यास बुझाने आया हूँ, मेरा यासियाना, समझावत है कि कभी जी बहुत पगला गलुआ तू, तोरे समझ में आवत नहीं है, बहुत गंदा काम होई। भरी अस्क लक्ष्मी हीरा बोली, अरे जलती है समाना जलने दो, अरे महाराज नर्तकी हूँ कभी जी, अरे राजा की सेवा करने को जू था पानी क्यों पीते हो, अरे जू था पानी क्यों पीते हो, क्या बुद्धि खजाना लूट गया। आखिरकार नर्तकी कलश की जायदा जब तू पर्सनल कवि हुआ राजा साहब का, तोरे विषय में कुछ विचार करब हम। पहले राजा साहब के आवा था उनसे पूछ नहीं, एक बात तोके बताई हूँ। नर्तकी कवि जी के बात सुनलस तो राजा साहब से बताओ थे कैसे। सुन कविवर की बात नर्तकी गई भोरे दरबार, अरे कालिदास की बात रात में कहन लगी, दिखा रहा हमारा पीछे, अरे हमारा पीछे भवारा भैया तैयार, हमारा पीछे राजा साहब से जाके बताओ थो कि कवि जी जोन महफिलिया में बैठे रह दिनवा आई पीछे पीछे घरे हमरे पहुंच गए, इनके समझेबा कि ना कहना। जब देख भाई वो पर्सनल हमार कवि जी हुए, उनके का हम बताई, अगर ऐसा बात है तो तब देख ले अपने हिसाब से। तो बोले राजा सुनो नर्तकी, अरे कर दो कवि का पूरा विचार, अरे उसके पहले उनका मुड़वा देना, दाढ़ी बारो हमारो पीछे, अरे हमारा पीछे भवारा भैया तैयार। राजा साहब कहला कि देख जब कभी जी हुआ तू ना रभी हमार काम चल जाई, लेकिन अगर कभी जी चल जाए परेशान हो जाब हम। ये बता जवन कह तू उनका बात मान ले कह दे। जनलू प्रियंका जी तुहू के पखुरा जमल जो ना देखलू ना है कुल। चला ठीक है। ए बाबू भटक मत, भटक मत, टारगेट पर रहो। मधु जी टारगेट से भटका था। राजा साहेब कलर की सुना तोरे मतीन 50 गो मिल जाइए, लेकिन कभी जी मतीन एक को खोजले मिली है नहीं, तू एक नंबर हूँ बताओ थो उनका। कभी जी कलन की एक काम करी है, अगर मान ले अगर वो कहते हुआ तो उनकर मन रखिए, तो यही पहले दाढ़ी एक बार मुड़वा दी है और मुड़वाउले के बाद हमके बता दिए, इशारा कर दिए कि ना ऐसा बात हो गई। यार कालिदास कभी जी घबराएल बनन, घबराए लिए हुन कि अगर तू हमार इच्छा ना रखू तो हम अपन जान दे दे। अब बतावत हुन कि नर्तकी से कि राजा साहेब बहन तुमसे बतिया लिया, बतिया के तुम्हें बतिया नर्तकी कलश की, जब भाई तू पर्सनल उनका कवि जी हुआ तोरे बदे बताई और करब तो राजा साहेब से करत हो का कहते हो। अरे घोड़ा बना मन लागल ये राजा, अरे घोड़ा बना मन लागल ये राजा, अरे जवनिया में जुआ पागल ये राजा, अरे
राजा साहब से कहलस लेकिन हई बात ना बोतर दाढ़ी है बार वाली बात तू बतौलस नहीं। राजा साहब से कहलस की देखा कभी जी कुल बात कैलन है, चल भाई ठीक है कोनो बात ना। लेकिन राजा साहब से रात के समय जिदी आ गिर कर हम घोड़ा पर बैठब। राजा साहब कहल गए मन इस समय तो घोड़ा कहाँ से ले आई हम, कहना कुछ करा हम घोड़ा बैठब तो बैठब। कह रहे भाई बिहान हो जाई, बिहान हो जाई तो कैसे तमाम घोड़ा हुआ कोनो बैठ ली है का करेगे। तिरिया चरित्र में राजा जी फसी के, अरे तिरिया चरित्र में राजा जी फसी के, तब भइल बकैया चढ़ल नारी हसी के। अरे तौड़न लगा मन लागल ये राजा, जवनिया में जीवा पागल ये राजा। आखिर नर्तकी जौन बा कवि जी के बात मान ले हलस, अयहर दाढ़ी ए बार मुड़वा दे हलस। कुल राजा साहब के करदानी रहल जानत हुवन, फिर भी आने राज दरबार सजल और सब लोग बैठल हुवन। अयहर घोड़ा बना के इनके दौड़ा दिल है राजा साहब के, पूरा ठिगुनो अगुना छिला गल एकदम। दाढ़ी ए बार मुड़वा के अयहर कवि जी भी आके सामने बैठ गइलन। जब दाढ़ी ये बार चमकत हो राजा साहब पूछना कहा कभी जी कुल कहाँ बनल, कहना वही जब बनल देखा बताओ थी कहाँ बनल। अरे बोले कभी अरे वही जमुड़ा मुड़ावा जहाँ रखती का राजा दौड़े ला घोड़ावा। अरे मर्द रहली घोड़ा, अरे मर्द रहल घोड़ा रहली तीरी है सवार हो, अरे एक घाटे पानी पियल शेर सियार हो। कहला कि राजा साहब देखा मुसाफिर बात पर्दे में हो, अब बता देब कि के रहल घोड़ा, हमें ढेर दिमाग मत खराब कर। अरे तो धन्य कवि, अरे धन्य कवि, अरे बतिया कमार कोड़ावा, तो जावा रतिया का राजा दौड़े ला घोड़ावा। अरे गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु राम लाल मुरबा का, स्वर्ग चंद्रिका कवि बच्चन कवि जय पता का। अरे परवाना कोई पागल हो गया, परवाना कोई पागल हो गया, विजयी प्यारे लाल से बच के हाथ मिलाना हो, परवाना कोई पागल हो गया। क्या बात है, वाह विशाल बाबू, हमार बिरहा के सुल्तान विजयलाल यादव भैया, कैसन लागल ये विशाल मुन्ना अग्रवाल लोगन के परफॉर्मेंस? बहुत बढ़िया रहा, अंदाज भी बढ़िया बा, लय सुर ताल सब ठीक बा, लेकिन आवाज जहाँ तक जाए के चाहिए ना गई, मंच जब पकड़े तक घबराए के ना चाहिए। हम जोन गावतानी वे ठीक बा, हमारा जोन आवता हम प्रस्तुत करता नहीं, लेकिन जोन हमारा आवता ओके हम ईमानदारी से प्रस्तुत करा। बहुत अच्छा रहा, धन्यवाद। तो चलिए अभी चलते हैं बिरहा के बादशाह ओम प्रकाश जी के पास। ओम प्रकाश भैया, लड़का बहुत अच्छा गौलस है, एकरा में दो मत नहीं थी, जितना सुंदर गौलस है लड़का जवाब नहीं थी। कहानी सही से चाहे समय के अभाव समझा चाहे घबराहट में कहानी पूरा स्पष्ट भाव हो ना पाओ। बिरहा के मूल चीज कहानी होला, अगर कहानी स्पष्ट ना भइल तो बिरहा के कौन अर्थ ना निकल। बहुत बहुत शुभकामना बा तुहरा साथ। विशाल को कितने अंक मिले हैं ये जानल जाई एपिसोड के अंत में, तो अब आगे आगे यह बा कि हमारे ऊपर तनी दया कर दी। रुआ जी समदुल्ला ही आ जाता हमार जिंदगी समझ जात। पहले आप सुधर जाओ, सीखो लड़की कैसे इंप्रेस किया जाता है। ठीक बा ठीक बा ठीक बा ठीक बा। बिरहा के जंगल में अपन नंग जमावे के बारी बा, गंगा जमुना सरस्वती के संगम, इलाहाबाद के प्रियंका माधुरी के, प्रियंका के लिए जोरदार तालियां। ए प्रियंका छेड़ दे ऐसन बिरहा के मधुर तान की नाचे लगे धरती और आसमान। मैडम जी जवन चूहा तुहार कपड़ा कटले हो ओकर हम व्यवस्था करता नहीं, आई ठीक है आ जाए। चलिए ये
शिकारी नृप बन में गए, साधे एक सुकर को निशाना जबर। जबर माया का वा धनी था सुकर, बाण जाके हिरण को लगा मान्यवर। मान्यवर वा हिरण भी रतीलीन था, बाण लगते ही हिरणी पिढाया कहर। कहर कर वह हिरणी दिया श्राप है, बन करके कोढ़ी धुरो दर बदर। कहानी पर गौर करेंगे। विराह का शीर्षक बा राजा विक्रमादित्य का कोढ़। बात उस समय की है कि राजा विक्रमादित्य घोड़े पर सवार हुए जंगल में शिकार करने निकल पड़े। राजा विक्रमादित्य की नजर एक शुकर पे पड़ी है। धनुष पर बाण चढ़ा के शुकर का निशाना लेके बाण चलाया है, लेकिन कौन जानता था कि वो शुकर भी अपनी किस्मत का धनी निकल जाएगा। वो सीधे जाकर के आगे मुड़ गया, लेकिन बाण सीधे चला जा रहा था। बाण जाके हिरन के लगल बा, हिरन धरती पे गिरा, अंतिम दम को तोड़ा है, मगर ये बात हिरणी से नहीं बर्दाश्त हुई है। मास्टर भैया गजल में कहना बा, हो मेरे खून दिल की मेहंदी हाथों। जब निकले मेरा जनाजा, जब निकले मेरा जनाजा, अरे सहना है। लेकिन कवि जी बहुत सुंदर भाव लिखत हुआ, अरे इंसान को मिला सब, उस मालिक ने जो सबका मालिक है, उस भगवान ने हर एक इंसान को सब कुछ दिया है, एक ही चीज नहीं दिया। क्या नहीं दिया? भाव में मिलेगा। अरे इंसान को मिला सब, संतो इंसान को मिला सब, संतोष मिल न पाया रे, संतोष मिल गया तो, संतोष मिल गया तो, अरे परमात्मा को पाया रे, संतोष मिल गया तो, बाबा जी आखिरकार मेहरणी क्रोध में आकर के राजा विक्रमादित्य को श्राप देती है। श्राप धीलस का नजम के लाइन में कहना बा, अरे देती हूँ श्राप भूपत कोढ़ी हो जाओगे, घर जाके सैया सुख नहीं नारी से पाओगे, लौटे नगर में राजा दरबारी बुलाए, दरबारियों से सच्ची हकीकत को बताए, उपचार है तू राजा ने ऐलान कर दिया, उपचार है तू राजा ने ऐलान कर दिया, उपचार है तू राजा ने ऐलान कर दिया, ज्योतिषियों ने मिलकर है निदान।
राजा विक्रमादित्य को श्राप देलस कि जा राजा जैसे हो पति वियोग में तड़पत है, यही तरह से तू तड़प बा। घरवा तो जइबा जरूर, लेकिन जौन तुहार शरीर बा तोहरे रानी के शरीर से स्पर्श हुई वही क्षण तोहरे शरीर से कोढ़ चुए लगी। रानी को खबर मिली कि राजा साहब विश्राम कक्ष में पधार चुके हैं। रानी पानी ले ली, कहली कि आज खुश कर दे शिकार करके आयल हुआ थकल मदल हुई है। पहुंच गई पानी लेके, कहली हे स्वामी हे प्राणनाथ, लेकिन राजा विक्रमादित्य के दिमाग में वो हिरणी की बात नाचत हो कि कतो सत्य ना हो जाए। राजा रानी की बात नहीं सुनते हैं, उही समय रानी राजा के हाथ पे हाथ धर के झकझोर डाली। राजा का ध्यान टूटल देखत हुआ था रानी के, राजा के हाथे पे रानी का हाथ हो। राजा के बाबू शरीर से फौरन कोड़ चुने लगा। राजा कला बस जवन कर देलू, अब तू चल जा। राजा आखिरकार में बाबू कैलन का कोड़ ठीक करे बदे दार दरबार में पहुंच गए। दरबार में जाकर के वैद्य ज्योतिषियों के बीच में ऐलान कर दिया। ऐलान का कैला छंद के लाइन बा भैया, अरे कहने लगे ज्योत विज्ञानी है महाराज विक्रमादानी, मेरी बात लीजिए मानी अपनी जान के लिए, निश्चय निर्मल होगी घात मिटेगा दुख का यह प्रपात, अनोखी नाथ है एक बात अपनी जान के लिए, अरे देनी होगी एक कुर्बानी संग में रहे आपकी रानी, मेरी होगी एक कुर्बानी संग में रहे आपकी रानी, मेरी बात लीजिए मानी अपनी जान के लिए। आखिरकार में राजा विक्रमादित्य दरबार में ऐलान कर दिया कि आए वैद्य और ज्योतिषी जन, आप में से कोई भी मेरा कोल ठीक करेगा तो मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। एक ज्योतिषी बुजुर्ग हाथ उठा करके बोला, ये सरकार हो तुहार कोल तो हम ठीक कर देव एक मिनट में, एक पल में ठीक कर देव, लेकिन ओकरे पहले तो हमके एक बलि देवे को ही। राजा कला हमें मंजूर बा बलि देवे के, पड़ी कैसन के बलि चाही। तो ज्योतिषी ने कहा तो एक लड़का के बलि देवे को ही माता काली के मंदिर में, तुहार कोल हम ठीक कर देव। राजा विक्रमादित्य ढिंडोरा पिटवा दिलन पूरे नगरी में, कैसे भैया भैया हो, आखिरकार में नगर में ढिंढोरा पिटाई लगता भिखारी अपन लड़का बेचे बदे तैयार हो गई एक बोरा सोना चांदी पे, लड़का के ले आईला राजमहल में। अब राजमहल में ले अवला जवनी समय बलि देवे का तैयारी होखे लगल, तयो समय कहना बा भैया का, बाबा अरे हम तो से पूछी लेकिन भाव में कहना बाबा बाबू का, अरे मछिला भगवान के सुन लो पुकारिया हो, बाबा बेचाना 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 दूसरे के हाथ आए बाबू हो। लड़का राजा विक्रमादित्य के बड़े ध्यान से देखा तो कहा तो सरकार हमके जाये था। राजा कला मैंने तुम्हें दौलत देकर खरीदा है, बलि देने के लिए तैयार हो जाओ। ले गईला माता काली के मंदिर में, लड़का के बलि के इंतजाम होखत बा। रानी लड़का के तन पे पानी डालत हई और राजा जैसे ही नहावे चलल हुआ बाबू, उस समय वो लड़का भगवान को याद करता है। बारे मालिक मैंने सिर्फ आपका नाम सुना है कि दुनिया में जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। ना मेरे माँ ने साथ दिया, ना मेरे बाप ने मेरा साथ दिया, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। मास्टर अल्लाह के लाइन में कहना बदू लाइन में बिटूरी जमतिया बाबू, हाँ राजा विक्रमादित्य दया का बलिदान,
भगवान जकर क्यों ही न होला ओकर भगवान होला भगवान कयासन डगमगायल किया है हाय रे अगर ये लड़का के प्राण न बचाई तब मृत्यु लोक में हमार पूजा के करी भगवान वही समय माया रचलन जवन पानी लड़का के तन पे गिरा तय भैया वह पानी जाके राजा के तन से टकराया है। जो ही राजा नहलाने चले देखते हैं कि शरीर से कोड़ गायब है। वही समय राजा कैला का आखिरी लाइन में कना खड़ी में धनी धनी बेटा मरे आँखी का पुतरी राजा विक्रमादित्य लड़का के उठा के कला ए लाल हम तोरा के बलि न देव हमार कोर ठीक हो गए तू जा सकेला। लड़कवा कला सब का कह के जाब कहवा जाई हमार बलि दे दा। तब उस समय राजा विक्रमादित्य विचार कैला कहीं भगवान के माया त ना हो हमारे पास धन दौलत राजपाट सब हो लड़का ना हो कहीं भगवान यही बहाने हमके लड़का त ना देलन। राजा विक्रमादित्य उस लड़के को गले से लगा लिए और उसका सेवा सत्कार करने लगे। लड़का जवान भयल इतिहास प्रमाण देता है इतिहास बताता है कि वही खरीदा हुआ लड़का इतिहास में कुमार गुप्त के नाम से मशहूर होता है गुप्त वंश का शासक कहलाता है। आखिरी लाइन में कहना बा जय जखार गुरु जद्दू लौटन की लहरे फुलावा कथन करे कभी राजेंद्र ओपी की बलिहारी ओम प्रकाश जी आप बताइए कैसा लगा इनका परफॉर्मेंस आपको। मधु जी हम तो बतेबे करो इतनी रउआ बताई कि हमारा बताशा भैया के बारे में का सोचली रउआ। अभी तक तो कुछ सोचा नहीं है थोड़ा सुधर जाए फिर देखते हैं। का बताशा भैया जवन लिखा के ले आ लेंगे वही लूंगा। हमारा तो यह समझ में नहीं आवत कि हम कहां बिगड़ल है हम का सुधारी अब हम 5 फुट 4 इंच कहीं 6 फुट 4 इंच तो ना हो जाब नू। आप इनके बारे में बताइए आपको इनका परफॉर्मेंस कैसा लगा। अच्छा गौली लेकिन जवन चाही तवन ना भइल तोहरो जना तो ही बात के हिस्टोरी जवन बिरहा करल ह काटत धुन काटत छाटत कहानी पर लास्ट में आके लेके समझा देल तो ठीक बा लेकिन मेहनत करो लोग हमार शुभकामना बा तोहरा से। और अब बारी है बिरहा के सुल्तान विजयलाल यादव जी का। आप बताइए कैसा लगा आपको इनका परफॉर्मेंस। बहुत बढ़िया हिम्मत बा आ जोड़ी तो भगवान ने बनावे ला ये तो जोड़ी बोले ना हमारा जोड़ी आ जावे लगे कांपे लागले अंदर से बार दर्द देख के यहाँ बहुत लोग दर्द बा दुआ कहल जाई बिरहा मुकाबला देखे वाला लोग खास तौर से बनारस के लोग हाँ तनी भोलेनाथ कहने के बाद नारा लगा दे कि भाई बतासा भाई को भी काम हो जाओ। हाय 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 थैंक यू भैया। सवाल गाना के बाद अच्छी गाई है लड़की लेकिन जो उम्मीद थी वो उम्मीद पर आज खरी नहीं उतरी है। जाते जाते इसने लास्ट में कहानी को जोड़ा है लेकिन बीच में कहानी जो छूटी है जिसको काट के आगे बढ़ी है क्लियर पूरा ना भल तो भाई समय बा और मेहनत करी तीसरा दौर का अंतिम हफ्ता के मुकाबला चल रहा बा भैया। चुनौती गृह में मौजूद 4 महारथी के बीच आज विशाल दुबे मुन्ना और प्रियंका माधुरी के बीच स्वरों के धुआंधार लड़ाई देखे के मिलल हो लेकिन उजाला यादव और महेंद्र बच्चन की जंग देखनी बाकी है। कल विशाल दुबे मुन्ना प्रियंका माधुरी उजाला यादव और महेंद्र बच्चन के बीच सिर्फ 2 लोग रह जाए अगर अब तक के सफर देखल जाए तो रवो का लग रहा बा। सबसे पहले विजय लाल तो भैया बता दे मुकाबला तो बड़ा
कांटा कबा निगाह लगल बा पूरा भोजपुरिया भाई लोग के हमनियों के यहाँ बैठ के यह सोच रहल बानी जा कि सफाई भी हो स्वर का खूबसूरती भी हो जो हर तरफ से परिपक्व होई वही के ताज मधाई। सवाल अब रह गई कलाकार लोग का तो ये लोग बहुत बढ़िया बा हमारा तरफ से ये लोग में कोनो कमी नहीं है हम तो चाहता नहीं कि ये लोग सब लोग विजेता बा बता सा बाबू। हाँ भैया मजनू के पीठ पर कोड़ा गिरत रहे लाला के दर्द होते रहे हाँ आई एक एक मधु जी के दिक्कत रुआ के पहले से महसूस डाली इकर मतलब है ना एकदम पक्का। जय भोजपुरिया जाओ भैया बियाह होई बंबई में और रिसेप्शन होई बनारस में हनीमून हनीमून विचार कर जाइए तो मधु जी हाँ जी एकरा पहले के हमार गला दब जाओ हम आयो हो जाए रघुआ से कुछ कुछ नहीं बादशाह जी से बिरहा की बादशाह ओम प्रकाश जी आप बताइए अभी चारों गवैया अपने आप में बहुत अच्छा बा लेकिन ई बताओ अभी मुश्किल बा कि के का होई अब जब चारों जना गा ली हन तबे पता चली कि के केवना पोजीशन पर जा दल यही के साथ वक्त हो गइल बा रघुआ सबसे विदा लेवे के लेकिन विदा लेवे से पहले ऐसे लगा था कि जैसे कोयला के खान से हीरा निकल गई बताई कुछ समझ में नहीं के आवत हम सोचने की अब कुछ हो जाए अब कुछ हो जाए अब कुछ हो जाए भगवान करत हे प्रभु हे दीनानाथ हे काली माई हे डीह बाबा हे शहीद बाबा हमारे हीरा हमके मिल जाए तो मजा आ जाए। हीरा पाने के लिए और मेहनत करनी पड़ेगी है ना? करब जैसे इन लोगों को उन लोग का दिल जीतने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी वैसे आपको भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सुना ना हाँ हाँ बस एक बार हाँ कर दो तो हम सुपर मैन बन जाए। धन्य हो आप मतलब इनकी सुई अटकी हुई है पटाके ही छोड़ेंगे। का करी भाग के आल है गांव से गांव वालों के चैलेंज करके आल है कि बचवा तो हम लोगों ने हमको समझा था कि हम गांव को बता सही जात है अगर लेके ना आई दुल्हन वह हीरोइनी तो कैया साहब लाठी लेके खड़ा हूँ। दिनेश जी को छोड़ूंगी नहीं उल्लू बना के मुझे यहाँ भेजा बताया हांचम हांक मिलेगा और मिला क्या खोदा पार मिला चूहा ये भगवान इतना मोटा चूहा क्या भैया कुल हीरोइन ऐसे बोली का हीरोइन नहीं लड़कियां ही ऐसी होती हैं भगवान नहीं समझ पाए लड़कियों को तो आप क्या समझोगे। कोनो बात ना अगले एपिसोड में बिरहा की खनक और झनकार के साथ हमारी फिर मुलाकात होगी तो देखते रहिए खाटी भोजपुरी गीत संगीत का सबसे बड़ा महासंग्राम बिरहा मुकाबला।